हीलर है, वूड हीलर है, उस तो अलावा ये इम्यूनिटी बूस्टर है। अगला जो रोल है कि ये जिहड़ा दिल के रोग है खास तौर पर जो बीपी साढ़े बीपी के मरीज है उन्होंने बड़ा काम आई है कि जिहड़ियां साढ़ियां ब्लड वैसल्स है जिहड़ियां साढ़ियां खून दी नाड़ियां है एंडोथीलियम है जिहदी फंक्शनिंग वास्ते हल्दी बहुत उत्तम है। जदों तुसीं इहदा लगातार इस्तेमाल करोगे तो उहदे नाल जिहड़ी ब्लड वैसल्स है उहदा एंडोथीलियम भरपूर मात्रा च रहेगा जिहदे करके तुहाडा ब्लड प्रैशर और हार्ट की जिहड़ी पंपिंग वगैरह बहुत वधिया रहिंदी है। इस तों इलावा कईआं नूं साह की प्रॉब्लम होंदी है, बेसिकली अस्थमा नहीं हुंदा लेकिन उहनां नूं एलर्जी जां साह की प्रॉब्लम है, तो तुसीं जिहड़े कौले जिहड़े कोले मचदे होण उहनां उप्पर हल्दी का पाउडर पा दो, उहदा धुआं तुसीं स्मैल करोगे अंदर लंघाओगे इनहेल करोगे तो साह और एलर्जी के मरीजों से भी फायदा करता है, नक् खुल जाता है। और तुसीं इहदे फायदे लाओगे तो दिमाग एक अल्जीमर का बीमारी है जिहदा अज तक कोई बहुता वधिया हल नहीं लग पाया। हल्दी एक गुण है आम तौर पर असं एक पढ़ते हैं किताबों के जिहड़ा दिमाग के जिहड़े सैल है वह बचपन तो बाद वधदे ने, आपां कहिंदे वी बच्चे का दिमाग जिहड़ा कुछ सालों वध गया मगरों वड्डा हुंदा ही नहीं, मगरों वधदे ने सैल वधदे ने। लेकिन एक रिसर्च हुई है कि जे हल्दी का प्रोपर इस्तेमाल किया जाए तो वह नवे सैल पैदा ही नहीं करती, सैलों च अपना कनैक्शन भी बढ़ाती है जिदे करके जिहड़ी अल्जीमर वर्गी बीमारियां जिहदे याद शक्ति घट जाती है डिमेंशिया हो जाता है उहदे च हल्दी बहुत वधिया रोल प्ले करती है। तुसीं इहदा इस्तेमाल पीन के रूप च भी कर सकते हो, पाउडर फॉर्म च भी कर सकते हो। जोड़ां दीआं दर्दां दी आपां गल करिए गंठिया वात रूमेटॉइड आर्थराइटिस या आर्थराइटिस विच ये शोथर दवाई है बड़ा वधिया इहदा इस्तेमाल है। तुसीं इहदा रैगूलर 2.5 to 3 ग्राम का चूरन जे आपां जां दुध च घोल के लै लईए इस्तेमाल करिए तो उहदा बहुत इफेक्टिव रिजल्ट आउंदा। 150 ml दुध विच तुसीं 3 to 5 ग्राम हल्दी घोल के पीओ दिन च इक वार तां उह शोथर होण दे नाल नाल इम्यूनिटी बूस्टर होउगी। जे आपां इस तों इलावा कैंसर की गल करिए कैंसर विच की एक्चुअली कि जिहड़े हानिकारक सैल है साडे बेलोड़े वध जांदे उहनां दी संख्या गिनती वध जांदी है तो हल्दी का रैगूलर इस्तेमाल उहनां सैलां की गिनती घटाउण दे काम आउंदा। इस तों इलावा एक बहुत वधिया एंटीऑक्सीडेंट है। हुण एंटीऑक्सीडेंट नूं जिवें अपनी आम भाषा समझावां तो जिवें जिवें आदमियों की औरतों की इंसानों की उम्र वधदी है साडी बॉडी के जिहड़े सैल है वह उहनां दी वर्किंग फंक्शनिंग घट जांदी है, वो घटने के नाल नाल बॉडी के अंग काम घट करना शुरू कर देंगे है तो इस प्रक्रिया के दौरान साढ़े बॉडी में कई तरह के फ्री रेडिकल पैदा होते हैं जिहड़े डैमेज भी करते हैं बॉडी नूं और एजिंग प्रोसैस जल्दी लियांदे आ बीमारियां नूं वधाउण च उहदा रोल अदा करते हैं। तो जिहड़ी ये हल्दी है ये उस जिहड़ी एंटी एजिंग प्रोसैस उहनूं रोकदी है, ये ऑक्सीजेटिव स्ट्रैस जिहड़ी साडी बॉडी अंदर फ्री रेडिकल पैदा हो रहे हैं उहनूं खत्म करदी है रेगूलर।